Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of TYS. So here it is 2nd June Tuesday today and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. And in this, the first news is a rude welcome of Odisha's migrants as villages lack back facilities. ये बात कर रहे हैं यहाँ पे उन migrants की, ओडिशा के वो migrants जो कि बॉम्बे में रह रहे थे और बॉम्बे में रहते हुए मुंबई में जो है रहते हुए, क्योंकि मुंबई हॉटस्पॉट बना हुआ है तो उन्होंने काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हुए 1300 किलोमीटर जो है साइकिल राइड के साथ में, साइकिल राइड को क्रॉस करते हुए कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ते हुए वो अपने होम टाउन्स, होम विलेजेस में पहुंचे, जब अपनी खुद की कंट्री जो स्टेट है, अपनी कंट्री का एक पार्ट है जो स्टेट, उसका खुद का एक पार्ट जो विलेजेस है जहाँ से उनका हम कह सकते हैं कि जहाँ से वो स्टार्ट हुए, इनिशिएट हुए वर्क करना, जहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया, तो वहाँ वापस पहुँचने पर उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवाई गई. उन बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवाने के साथ ही उनके साथ में बहुत ही रूड वेलकम उनका किया गया. उन्हें रहने के लिए जो है अबंडेंट टॉयलेट और ड्राई कलवर्ट्स दिए गए, जिससे कि डेफिनेटली इट्स नॉट एक्चुअली गुड टू गिव दीज टाइप ऑफ प्लेसेस. जो रिफ्यूजी के तौर पे अगर माइग्रेंट वर्कर्स को अगर आप इस तरह के एरियाज देते हैं तो अपने आप में ये उनकी भी इंसल्ट है और आपकी खुद की इंसल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी पेंडेमिक से काफ़ी एक वायरस से बहुत सारे जो है इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं. उसके चलते आप इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करवाते हैं किसी को तो डेफिनेटली उसके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना. तो हर एक पर्टिकुलर उसकी ज़रूरत है स्टेट की कि वो अपने माइग्रेंट्स की तरफ ध्यान दे, माइग्रेंट्स को कैसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है उसकी तरफ ध्यान दे, बिकॉज माइग्रेंट्स जो है वो अपने आप में एक स्टेट का जो है पिलर कह सकते हैं हम, क्योंकि वो स्टेट की इकोनॉमी को बनाते हैं. इसलिए इवन उसके अलावा भी अगर वो पिलर्स या इकोनॉमी जनरेट नहीं भी कर रहे हैं तो उसके अलावा भी वो आपके स्टेट के लोग हैं, आपके स्टेट के की आम जनता है जो कि आपको सरकार बनाती है, आपके लिए कार्य करती है. तो ज़रूरत है आप भी उनके लिए कार्य करें. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज क्लैशेस आउटसाइड वाइट हाउस, मोर US सिटीज़ अंडर कर्फ्यू. वाइट हाउस के बाहर जो है काफ़ी दंगा फसाद देखने को मिला. US की काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी है जिन पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया. डोनाल्ड ट्रंप स्पेंड्स नियरली एन आर इन द बंकर एंड फरी. बंकर और फरी के बेसिकली बंकर एमिड फरी, जो बंकर है उसके अंदर, उस एरिया के अंदर उन्होंने एक सेफ़ एरिया के अंदर, छोटे से सेफ एरिया के अंदर उन्होंने अपना करीब एक घंटा जो है वहाँ पे स्पेंड किया खुद को बचाने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है अपोजिशन या हम कह सकते हैं क्लैशेस देखने को मिले वाइट हाउस के बाहर. और बेसिकली ये जो क्लैशेस हैं इनके बारे में अगर हम बात करें, द पुलिस फायर टीयर गैस, इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा जो है टीयर गैस फायर की गई. इसके अलावा एज एंटी रेसिज्म प्रोटेस्टर्स अगेन टुक और टू द स्ट्रीट ऑन वॉइस फरी एट पुलिस ब्रुटैलिटी. बेसिकली ये रेसिज्म पे बेस्ड है, एंटी रेसिज्म जो है एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ये सारी क्लैशेस देखने को मिले हैं. एंड जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के अगेंस्ट बेसिकली ये सारी चीज़ें हुई है ना. सो काफ़ी अपोजिशन झेलने को मिल रहा है ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को. लेट्स सी कमिंग डेज में क्या जो है पॉजिटिविटी देखने को मिलती है इस एक्शन से या क्या नेगेटिव साइंस या इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज मॉनसून हिट्स केरला विद साइक्लोन इन द बैकग्राउंड. आपको बता दूं कि मॉनसून को लेके काफ़ी प्रेडिक्शन लगाए जा रहे थे. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कहना था कि वो बाद में आएगा, लेट आएगा, जबकि IMD का कहना था पहले ही आ जाएगा. तो ये IMD का कहना था बाद में लेट आएगा 4-5 दिन, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट जो डिपार्टमेंट्स थे उनका ये कहना था कि नहीं पहले ही आ जाएगा. 28 मई की बात कही गई थी. तो मैं आपको बता दूँ केरला में मॉनसून ने हिट किया है कल, और मॉनसून यहाँ पे केरला में पहुँच चुका है. IMD के बताए हुए एक्चुअली मंडे को जो है इसको रजिस्टर किया गया है. इसके अलावा IMD के बताए गए जो टाइम है उससे 4 दिन पहले ही मॉनसून जो है हिट कर गया है.
लेकिन उसी के साथ में साइक्लोनिक कंडीशंस भी लेकर आया है, इवन साइक्लोन लेकर आया है बैकग्राउंड में। बहुत सारा जो है अरेबियन सी में काफ़ी जो इश्यूज हैं साइक्लोन से रिलेटेड जो साइंस है वो देखने को मिल रहे हैं। करीब 700 किलोमीटर जो है मुंबई से, वहाँ पे साइक्लोन देखने को मिला है, साइक्लोन का इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, सो महाराष्ट्र, गुजरात, कोस्टल एरिया या ये सारे जो एरियाज़ हैं इस तरफ के, उनको भी ये हिट करेगा या इनकी इस साइक्लोन की वजह से लॉस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी कि ऑलरेडी जो हमने वेस्ट बंगाल में जो साइक्लोन ऑलरेडी हिट किया है उससे भी काफ़ी लॉसेस मिले हैं, तो कैसे सरकार इस मामले को हैंडल करती है ये आने वाले टाइम पर पता चलेगा। द नेक्स्ट इज़ राज्यसभा लोकसभा मीटिंग हेल्ड कुड बी हेल्ड ऑन अल्टरनेट डेज। राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंग्स पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई जाए और बिफोर ओपनिंग स्कूल्स एंड ऑल राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ इस पर जो है गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और अकॉर्डिंग टू दिस राज्यसभा और लोकसभा की जो मीटिंग है वो अल्टरनेट डेज होगी, ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, एंड वर्चुअल पार्लियामेंट भी ऑप्शन में रखा गया है। इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्शंस होंगे जो कि 19 जून को, पोलिंग होगी 19 जून को। ओके, ये रीडिसाइड किया गया है, पहले भी डिसाइड किया गया था बट वो संभावित जो है लॉकडाउन के कारण या COVID-19 के चलते पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए न्यू डेट्स रिलीज हुई है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज जेल इज़ नॉट फॉर डिटेनिंग अंडर ट्रायल्स सो एज टू सेंड मैसेज टू सोसाइटी। जेल जो है वो अंडर ट्रायल्स डिटेन करने के लिए नहीं है, ये इवन सोसाइटी के लिए एक मैसेज जो है वो देता है, ऐसा कहा गया है। बेसिकली हुआ ये है कि हाई कोर्ट जो है उन्होंने जो रायट्स है, दंगे फसाद जो हुए थे, उसका जो अक्यूज़ है उसे बेल ग्रांट कर दी है। तो इस पर क्वेश्चन मार्क खड़े करते हुए पुलिस ने जो है उसके लिए प्रूफ मांगा है और उसके लिए जो है पुलिस ने काफ़ी एफर्ट्स के साथ में उसे अरेस्ट किया था और उसके बाद में उस अक्यूज़ को मिल जाने के बाद में राइट्स बेसिस पर जो है उसे बेल प्रोवाइड करवाना, ये अपने आप में काफ़ी हम कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक मैटर है। बिकॉज जेल जो होती है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, सॉरी हाई कोर्ट का ये कहना है कि जेल जो है वो अंडर ट्रायल्स रिटेन करने के लिए नहीं है, ये सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए है जो हमारे जो अरेस्ट करने के बाद ऑलरेडी दिया जा चुका है। हालांकि इस स्टेटमेंट से अभी भी पुलिस सेटिस्फाइड नहीं है बट स्टिल ऐसी डिमांड की गई है पुलिस डिपार्टमेंट की कि उसे बेल जो है ग्रांट नहीं किए जाए। ठीक है, और उस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की। जामिया लाइब्रेरी बिकम्स फर्स्ट टू गेट डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर प्राप्त करने वाली जामिया लाइब्रेरी जो है वो अपने आप में पहली लाइब्रेरी बन गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया को मैं मंडे को ये कहा है कि इट हैज़ एक्वायर्ड एन ओवरहेड स्कैनिंग डिवाइस टू स्केल अप इट्स डिजिटाइजेशन यूनिट। डिजिटाइजेशन यूनिट को स्केल अप करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने स्कैनिंग डिवाइस जो है वो एक्वायर किया है। दिस विल हेल्प प्रमोट टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्चेस इन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिसर्चेस और प्रमोशंस आर्ट हिस्ट्री कल्चर एंड वी कैन से अदर आर्चिवल डॉक्यूमेंट्स को प्रमोट करने के लिए या टीचिंग और लर्निंग को प्रमोट करने के लिए ये अपने आप में एक नया और अच्छा स्टेप होगा, ये हेल्प करेगा, है ना। द डिजिटल प्रजर्वेशंस ऑफ दीज आर्चिवल डॉक्यूमेंट्स विल नॉट ओनली प्रोवाइड ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज टू आर नेशन एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स बट इट विल एनहांस द स्फीयर ऑफ एकेडमिक रिसर्च। यूनिवर्सिटी साइड, यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो प्रिजर्व कर रहे हैं हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो ये जो है ईजी एक्सेसिबिलिटी जो है विल नॉट ओनली प्रोवाइड ईजी एक्सेसिबिलिटी, ये कोई बहुत ईजी एक्सेसिबिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि इसके साथ ही बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ लेने में हेल्प करेगा। हमारे नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से जिससे कि वो एकेडमिक रिसर्च भी कर सकें। ठीक है,
it added that the high-speed scanner was required with the financial support of National Archives of India. The university said that Dr. Zakir Hussain Library is first among central universities of India to have such a scanner in the country. Country में अपने आप में इस तरह का scanner प्राप्त करने वाली या इस तरह का स्कैनर कैरी करने वाली अपने आप में जामिया पहली यूनिवर्सिटी है, ऐसा कहना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का. ठीक है, ऐसी लाइब्रेरी है, फर्स्ट लाइब्रेरी है जो इस तरह का स्कैनर जो है कैरी कर रही है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दिल्ली सील्स बॉर्डर फॉर अ वीक. दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और ये किया गया है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा. ये डिसीजन जो लिया गया है वो बढ़ते हुए कोविड 19 के केसेस को देखते हुए लिया गया है. ठीक है, और ये ज़रूरत है कि हम लोगों के हेल्थ सिस्टम को जो है इम्प्रूव किया जाए और पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ा जाए, इसलिए ये डिसीज़न लिया गया है राज्य सरकार द्वारा. अब हम बात करेंगे राजस्थान की. राजस्थान में सारी चीज़ें वापस नॉर्मल सी आने की कगार पे है, बिल्कुल नॉर्मल होने की कंडीशन. अच्छा, वहाँ की सरकार और आमजन द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि पॉसिबल वेज में नॉर्मल सी लाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मेजर्स है वो भी आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा. लेकिन CM अशोक गहलोत जो है, वहाँ के मिनिस्टर है CM अशोक गहलोत, उनका ये कहना है कि अभी भी जो खतरा है वो गया नहीं है, मिटा नहीं है. अभी भी खतरे की दायरे के अंदर रहते हुए हमें नॉर्मलसी लाने की कोशिश करनी होगी. खतरे के दायरे में ही हैं हम, और हमें आगे जो भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या अदर जो एक्टिविटीज़ नॉर्मलसी लाने के लिए हम कर रहे हैं, उन सबको करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम कोविड 19 से बाहर नहीं आए हैं अब तक, और हम अभी भी इसी दायरे के अंदर हैं. और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के ही दो सिटीज़ हैं, जयपुर और जोधपुर, ये दोनों ही राजस्थान की सिटीज़ हैं जो कि कंटेनमेंट जोन के तहत आते हैं. 13 सिटीज़ जो कंटेनमेंट जोन में रखी गई हैं, उन सॉरी 23 सिटीज़, उन कंटेनमेंट जोन्स के अंदर ये दो सिटीज़ भी आती हैं. ठीक है, सो यहाँ नॉर्मल सी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपने आप में काफ़ी जो है सिक्योरिटी सिक्योर मेजर्स के साथ में. अब आगे हम बात करेंगे असम की. असम में 8 जून से अगेन रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स और मॉल्स रीओपन हो जाएंगे. एंड दिस इज़ रिलैक्सेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि काफ़ी सारे सेक्टर्स को, काफ़ी सारे लोगों को राहत प्रदान करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब की. पंजाब में कोविड 19 पर सेस इम्पोज कर दिया गया है, कोविड सेस लिकर्स पर, है ना, कोविड 19 के चलते लिकर्स पर कोविड सेस इम्पोज कर दिया गया है. और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट के बाद ऐसा करने वाली ये पंजाब जो है दूसरी गवर्नमेंट है जो कि दिल्ली में जो है लिकर पर टैक्स, एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्सेस जो है लिए जा रहे थे, एडिशनल चार्ज, कोविड चार्ज, कोविड फीस के रूप में लिया जा रहा था. अब वो इस तरीके के चार्जेस जो है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा पंजाब में लिकर्स पर इम्पोज किए गए हैं, जिन्हें कोविड सेस कहा जा रहा है. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ साइक्लोन इफेक्ट, मुंबई मे गेट हैवी रेन. साइक्लोन जो इफेक्ट करेगा, जैसा कि हमने अभी देखा मानसून के साथ में ही साइक्लोन इफेक्ट करेगा, साइक्लोन भी लेकर आया है मानसून इस बार अपने साथ, तो ये जो साइक्लोन है उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि मुंबई जो है उसके अंदर हैवी रेन होने की संभावना है. इसके अलावा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये अश्योर किया है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. 10 NDRF टीम ऑलरेडी रेडी कर दी गई है. ठीक है, और पुलिस शिफ्ट होमलेस. अदर देन दिस, काफ़ी सारे सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो किया जा रहा है, जैसे कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है थाने, पालघर और रायगढ़ में, और भी कई सारी सिटीज़ है वहाँ पे, सारे एरियाज़ के अंदर, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, यहाँ सिंधुदुर्ग, यहाँ पे सभी जगह पर जो है सिक्योरिटी अलर्ट घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा फ़िशिंग के लिए जो जाते हैं फ़िशरमैन, उन्हें भी जो है अलर्ट, या उन्हें भी जो है रोका जा रहा है आगे की गतिविधियों से. सो ये सारी चीज़ें साइक्लोन का इफेक्ट के कारण देखी जा रही है. साइक्लोन हिट करने की पूरी संभावना है मुंबई में, और इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सारे स्टेप्स कैरी कर रही हैं. ठीक है,
एंड उम्मीद है इससे कोई बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे, जैसा कि हमने वेस्ट बंगाल के लिए भी, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास कर लिए थे, बट उसके बाद भी काफ़ी लॉसेस देखने को मिले। तो उम्मीद है कि यहाँ पे इस तरह के लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे और साइक्लोन भी उस लेवल पे हिट नहीं करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज COVID-19 पेंडेमिक डिलेज स्कीम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। मैं आपको बता देती हूँ, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए द ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसने एम्बिशियस स्कीम्स बनाई थी, जिसके तहत कुछ सेलेक्टेड जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है या जो हम कह सकते हैं डिजर्व्ड स्टूडेंट हैं, उन्हें अच्छी लेवल की स्कूल्स में, अच्छे बहुत रिनोन्ड स्कूल्स के अंदर उन्हें एडमिशन्स दिया जाएगा। ठीक है, हर स्कूल में एक दो बच्चों को, ऐसे बच्चों को क्लास 1 और 2 के लिए इस तरह के एडमिशन्स कमिंग सेशन के लिए, एकेडमिक ईयर के लिए दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते और COVID-19 के चलते ये जो प्लान है कंटिन्यूसली डिले हो रहा था। और अब जो है कंटिन्यू जो स्कूलिंग लाइफ में आगे बढ़ने वाले जो चांसेस है, आगे जो देखा जा रहा है कि स्कूलिंग लाइफ को नॉर्मल से लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसी के चलते ये जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम है वो डिले हो गई है ना, जिससे कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके। द नेक्स्ट इज़ जम्मू द पॉन ऑफ द कश्मीर चेस बोर्ड। जम्मू जो है वो अपने आप में कश्मीर के चेस बोर्ड का एक, शतरंज का जो एक पासा बन के रह गया है, ये बात कही गई है इस आर्टिकल के अंदर। ये अनुराधा बसिन का आर्टिकल है, जिसके तहत सारी जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल वीकेंड एरियाज जो हैं, सेक्शन जो वीक हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के पूरी तरीके से, उनको हाईलाइट किया है। इसके अलावा ये बताया कि इनके वीक होने का जो रीज़न है वो है न्यू डोमिसाइल रूल्स, नए जो डोमिसाइल रूल्स जो इम्पोज किए गए हैं, उन रूल्स के चलते पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल एस्पिरेशन जो है वो पूरी तरीके से आगे फर्दर वीक करते चले जा रहे हैं ये रूल्स, है ना। तो कहीं ना कहीं वी शुड और गवर्नमेंट शुड हैव अ लुक टुवर्ड्स दीज रूल्स, बिकॉज ये ऐसे रूल्स जो हमारे, देखिए बेसिकली आफ्टर हम कह सकते हैं करीब 10 मंथ्स हो चुके हैं 370-35A को है के डिल्यूशन का, है ना। तो उसके बाद में ये जो नए कानून लागू हो रहे हैं, ये अपने आप में ऐसे होने चाहिए कि वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाए और हमें, हमारा एक एक्चुअली एक इंटीग्रल पार्ट, या हम कह सकते हैं हमारा एक परमानेंट पार्ट जो है जम्मू कश्मीर को बनाए, लेकिन उसके लिए ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई जो है स्टेप नहीं लेना होगा जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है, आप लोग खुद इसे पढ़ेंगे और क्या इश्यूज़ जम्मू कश्मीर के सामने आ रहे हैं, जम्मू के सामने क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और क्यों उसे जो है शतरंज का पासा या मोहरा हम कह सकते हैं बनाया जा रहा है जम्मू को, तो क्या रीजंस हैं और क्या इश्यूज़ आफ्टर द डिल्यूजन ऑफ 370 एंड 35A, क्या इश्यूज़ वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, फेस कर रहे हैं वहाँ पे लोग, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ एमिनस सिग्नल्स ओमिनियस सिग्नल्स, या the next it is based on the impact of lockdown। basically ये figures को show कर रहा है कि continuously जो cases बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिया में pandemic के कारण, और भी जो है बुरी condition देखने को मिल रही है, world level पे जो है economy है वो पूरी तरीके से effect हो चुकी है और अपने worst level पे है, है ना, अभी तक के सबसे worst condition पे आके हम खड़े हो गए economically। 3 months after finance ministry Mandarin's prognosticated that India's growth slowdown had bottomed out, the latest economic data has belied that prediction। लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा के बेसिस पर ये प्रडिक्शन लगाया जा रहा है कि फिनेंस मिनिस्ट्री के अनाउंसमेंट के बाद में, ये जो है पहला ऐसा हम कह सकते हैं बजट अनाउंस होने के बाद में, ये इतना बुरा एक स्लो डाउन गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। हमारा जो टारगेट था जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर टाइम देखा जा रहा है, ये अपने आप में फिस्कल ईयर का सबसे वर्स्ट टाइम देखा जा रहा है, हम कह सकते हैं वर्स्ट टाइम देखा जा रहा है। बहुत ही क्रूशियल कंडीशंस क्रिएट हो गई जब हमारी जीडीपी पूरी तरीके से, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो पूरी तरीके से डाउनफॉल हो चुकी है। ठीक है,
और करीब 25 मार्च से जो है, जब से नेशन वाइड लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, तब से तो बहुत ही पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ले लीजिए, इकोनॉमिक क्राइसिस ले लीजिए, हर तरीके से हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव डेटास क्रिएट हो रहे हैं ना। एनएसओ का एस्टीमेट है कि करीब 1/4 जो है फिस्कल ईयर 2019-20 का 1/4 ग्रोथ जो है वो जो स्लम डाउन कर चुका है, करीब 3.1% और 4.2% तक जो है वहाँ का एनएसओ के अकॉर्डिंग एस्टिमेट गया है। द स्लोएस्ट पेस इज इन 11 ईयर्स, आज तक जो 11 सालों के अंदर का जो डेटा है, सबसे सबसे स्लोएस्ट पेस जो है वो हमें इस समय देखने को मिल रहा है। द गवर्नमेंट सेज द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा लो, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के कारण ये डेटा लो हुआ है, एंड विथ स्टैचुटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंडेड द एस्टिमेट्स वुड लाइकली अंडरगो रिविजन। हाउएवर द फैक्ट्स दैट GVA, that is gross value added numbers for the first 3 quarters have been revised significantly downwards shows that the economic malaise was deep and widespread even before the novel coronavirus landed on Indian shores. और मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में कोरोना वायरस के लैंड करने से और स्प्रेड होने से पहले ही जो है फर्स्ट 3 क्वार्टर की जो अगर हम बात करें तो वहाँ वो भी जो है उसके अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई थी। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें नंबर्स की, तो उसमें भी बहुत भारी गिरावट देखी गई थी। तो अपने आप में हम कह सकते हैं COVID-19 जो है एक ऐसा दौर लेकर आया है, ये साल 2020 एक ऐसा दौर लेकर आया है जो हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से स्लो डाउन कर चुका है, और इसका इम्पैक्ट हमें जो है ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में देखने को मिल रहा है बाई दीज डेज, है ना। द इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड इन अ डिमांड ड्रॉट दैट इज अनलाइकली टू अबेट एनी टाइम सून। प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग विच अकाउंट्स फॉर 55-60% ऑफ GDP, प्राइवेट कंजप्शन जो कि GDP का करीब 55-60% कैरी करता है, वो भी जो है उसका भी जो ग्रोथ स्लेड है वो करीब ग्रोथ रेट जो है उसकी भी वो करीब डाउनफॉल होकर के 2.7% तक आ गई। मतलब अपने आप में सबसे लोएस्ट रेंज है ये। सो हम कह सकते हैं कि काफ़ी वर्स्ट कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, और लेकिन उसके बाद भी जो स्टिमुलस जो है फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है, जो हमें अनाउंस किया गया है, दैट एक्चुअली पुट्स कैश इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर्स, जिससे कि कंज्यूमर्स के हाथों में जो है कैश पुट किया जाएगा, एंड द मिलियंस ऑफ जॉबलेस यूथ इन ऑर्डर टू हेल्प रिवाइव डिमांड, डिमांड को रिवाइव करने के लिए काफ़ी मिलियंस ऑफ जॉबलेस लोगों को जो है हेल्प मिल रही है, क्योंकि सरकार जो पैसा दे रही है लोगों को, इससे वो लोग मार्केट्स में जो है मटीरियल परचेज करेंगे, और अगर वो मटीरियल परचेज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होगी, जिससे हमारी जो वर्स्ट कंडीशंस हैं उन्हें काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज वर्क फोर्स हैबिट, इट इज़ ऑल अबाउट लेबर लॉज। ये बता रहा है कि जैसे लेबर लॉज जो कंटिन्यू जो है उन्हें उनके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उनकी जगह ये ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट्स की कि वो वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आए, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस, वर्कर्स का जो विश्वास है उसे जीते, और इस तरह के स्टेप्स ले जिससे कि वर्कर्स को फ़ायदा हो। हमने आज उड़ीसा के वर्कर्स के बारे में पढ़ा कि उनकी बहुत वर्स्ट कंडीशन है और वो काफ़ी इश्यूज हैंडल कर रहे हैं, उन्हें रहने के लिए प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल रहा, बहुत रूड जो है उनका वेलकम किया गया। तो ये सारे इश्यूज को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को फोकस करना होगा कि वो लेबर्स जो हैं, वर्कर्स जो हैं, उनके लिए उनके लेबलों को टच करके और उनको जो है कहीं ना कहीं उनका हनन करके जो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है छेड़ने की बजाय हमारी ज़रूरत है कि हम वर्कर्स के कॉन्फिडेंस को गेन करें, हम कोशिश करें कि वर्कर्स को इतना कॉन्फिडेंस में लेके आएँ कि वो अपने ही राज्य में हमारे साथ मिल करके इस तरीके से हमारी राज्य की इकोनॉमी को जनरेट करें कि हमें अन्य जो है राज्यों से लोगों को बुलाने की या अन्य तरह के अन्य हम कह सकते हैं दूसरे लोगों को इकोनॉमी प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत ना पड़े। और हर स्टेट में अपने आप में अगर वहीं के लोगों को जो है जॉब्स मिल जाएंगी, शेल्टर मिल जाएगा या ये सब चीज़ें हो जाएगी, तो उन्हें एज अ माइग्रेंट कहीं और रहने की या जॉब करने की ज़रूरत नहीं
करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हर स्टेट अपने आप में स्ट्रांग बन जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया विल बी अ वेरी आई कैन से गुड कंट्री, है ना, अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन क्रिएट करेगी इंडिया, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी माइग्रेंट से लेके काफ़ी इश्यूज हमने लॉकडाउन फेज में देखा, और एक ऐसा अनसीन पार्ट हमारे सामने आया जो हमने अब तक देखा ही नहीं, जिस पर हमारी नज़र गई ही नहीं थी, है ना, और ना ही सरकार की गई थी। तो उस कंडीशन में इस तरह की अगर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इस तरह के अगर स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि लेबर लॉज को टच ना करके इवन उन लोगों को मोटिवेट करने का कार्य करे, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन क्रिएट करेगा, ठीक है। सो पॉसिबल वेज में हमने सारा जो भी न्यूज़ हो सकती थी, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वो सारी न्यूज़ पढ़ी है। ये जो आर्टिकल है ये आप खुद पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, और इसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए, जो कि अभी एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है, या वी विल टेक इट डिफरेंटली, और कमेंट सेक्शन में हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये आर्टिकल क्या कैरी करता है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट, इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग दी अफ्रीका आउटरीच। तो ये जो है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस आर्टिकल में आपको क्या समझ में आया, आपने क्या पढ़ा, क्योंकि इंटरनेशनल जो है डेटास पर बेस्ड है, इंटरनेशनल फिगर्स शो करता है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन शो करता है, तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अदर देन दिस हो सकता था तो जितनी हो सकती थी उतनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कैरी की। ये आज के न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट में कुछ दो तीन न्यूज़ आती है, जैसे साइक्लोन हिट की बात कही गई है मुंबई पर इफेक्ट देखने की, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कैसे सरकारें उसे अपने लेवल पर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर हैंडल करती है। उसके अलावा राज्यसभा के पोलिंग की बात कही है जो 19 जून जो है अनाउंस हुई है डेट, और इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज न्यूज़ अगेन एंड लेट मी नो कि आपको कहीं इशू है, क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर भी कोई आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इम्पॉर्टेंट सारी न्यूज़ आप तक पहुँचा सकूँ, और वो मैं करती हूँ डेली बेसिस पे। जनरली जो है द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस लिया जाता है दूसरे चैनल्स द्वारा, लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग यू द होल न्यूज़पेपर, हम सारे न्यूज़पेपर की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर करते हैं अलोंग विद एडिटोरियल एनालिसिस। सो होप आपको पसंद आ रहा है, आप इन्जॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए, आपके लिए ही ये बनाया जा रहा है ना। सो गो थ्रू इट डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर एनालिसिस लीजिए, जिससे कि आपका जो एक डेढ़ दो घंटा तीन घंटे जो आप न्यूज़पेपर को पढ़ने में लगाते हैं वो टाइम बच सकता है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो सकती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।